हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सेंटर के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, यांत्रिकी की यात्रा किसके जीवनी का हिंदी संस्करण है। तो यांत्रिकी की जो यात्रा है, लक्ष्मण राय किर्लोस्कर की जीवनी का हिंदी संस्करण है। किसकी? लक्ष्मण राव किर्लोस्कर। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, किस भारतीय ने प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता है। तो यह किसने जीता है? इसे जो है जीता है पी मंगेश। कौन? पी मंगेश। किस भारतीय ने जो है प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो पी मंगेश। हाल ही में जो है महिला ने जीता है ग्रैंड मास्टर खिताब, वो कौन है? कोनेडू हम्पी। किसने? कोनेडू हम्पी। अगला क्वेश्चन है कि ओलिवर एस्पावोसिक जो है किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ओलिवर एस्पावोसिक किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो है नॉर्थ मैसिडोनिया के। किसके? नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक, नॉर्थ मैसिडोनिया जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक, तथा इसकी जो राजधानी है स्कोपजी। क्या है? स्कोपजी। तथा यहाँ की मुद्रा है मैसिडोनियन दिनार। क्या है? मैसिडोनिया दिनार। यहाँ की राजधानी है स्कोपजी और मुद्रा है स्टोवेनियन दिनार। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी का जो है निधन हो गया है, यह किस राज्य के राज्यपाल थे? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये जो है त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी जो है कर्नाटक राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, तथा कर्नाटक राज्य के जो है अभी सीएम है बीएस येदुरप्पा, तथा गवर्नर है बज्जू भाई वाला, तथा हम्पी एवं पट्टादकल की जो है स्मारक जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटक की। ठीक, तथा कर्नाटक में जो है नेशनल पार्क है नागर होल, अंशी नेशनल पार्क तथा बनरघट्टा नेशनल पार्क। नागर होल राष्ट्रीय नेशनल पार्क एवं अंशी नेशनल पार्क एवं बनरघट्टा नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में स्थित है। तथा कृष्णा राज सागर डैम कावेरी नदी पर, तथा तुंगभद्रा नदी पर एवं अलमाटी डैम जो है कृष्णा नदी पर, यह भी कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा राज सागर डैम कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर एवं अलमाटी डैम जो है कृष्णा नदी पर, यह कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी पैडल फिश को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। चीनी पैडल फिश को विलुप्त घोषित किया गया है, यह किस नदी की परजीवी था? तो चीनी पैडल फिश जो है यह यांगटिसी यांग नदी का जो है परजीवी था। ठीक, तो यह जो अंतिम बार 2003 में इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक, यह जो यांगटिसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? एशिया की सबसे बड़ी नदी है, तथा यह अधिकांशतः चीन में बहती है। ठीक, तो चीन की जो है मुद्रा है रेनमिनबी। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। तथा यहाँ के जो है अभी पीएम कौन है? पीएम है जो यहाँ के सी जिनपिंग। कौन? सी जिनपिंग। तथा यहाँ की जो राजधानी है क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग, तथा मुद्रा रेनमिनबी। तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है क्या है? सबसे बड़ा शहर है शंघाई। तथा यहाँ का प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। कौन है प्रेसिडेंट? सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है कि मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर टी थॉमस। किसे? डॉक्टर टी थॉमस को मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तथा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ठीक, तथा अगला क्वेश्चन है कि नसीम अल बहर जो है किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो नसीम अल बहर जो है भारत एवं ओमान के बीच का सैन्य अभ्यास है। नसीम अल बहर जो है भारत एवं ओमान के बीच का सैन्य अभ्यास है, जो नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, और यह 12वां संस्करण है। कौन सा? 12वां संस्करण है जो भारत एवं ओमान के बीच होता है। तथा ओमान की राजधानी है मस्कट। क्या है? ओमान की राजधानी मस्कट, तथा मुद्रा रियाल। ठीक, ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा रियाल, तथा एक हार्मुज जल डमरुमद है, यानी हार्मुज जल संधि। तो हार्मुज जल संधि के द्वारा ईरान एवं ओमान अलग किया जाता है। हार्मुज जल संधि द्वारा ईरान एवं जो है ओमान अलग होता है। ईरान एवं ओमान अलग होता है। अगला क्वेश्चन है,
खबरों में रहा ननकाना साहब गुरुद्वारा जो है कहाँ स्थित है, तो खबरों में जो रहा ननकाना साहब गुरुद्वारा जो है पाकिस्तान के जो है पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित है। तथा ये जो गुरुद्वारा है यहीं पे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का 1469 में जन्म हुआ था। ठीक। तथा इसका निर्माण जो है इस गुरुद्वारा के निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाए थे। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। चलिए देखते हैं आज का जो है अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा T01, खबरों में जो रहा T01 M700D जो है क्या है? तो यह क्या है? पृथ्वी जैसा एक उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी जैसा एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने जो है जी कुप्तई नामक फेस्टिवल आरंभ करने की घोषणा की है? तो कौन सा सरकार? मिजोरम सरकार ने जो है जी कुप्तई नामक फेस्टिवल आरंभ करने की घोषणा किया है। ठीक। तो मिजोरम जो है मिजोरम की जो को राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया। कब? 20 फरवरी 1987 को यह 23वां राज्य भारत का बना। ठीक। 1972 में यह केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले 1972 में जो है मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बना था। तथा 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह असम का एक जिला था। किसका? असम का एक जिला था। ठीक। तथा यह जो है बांग्लादेश एवं म्यांमार से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किससे? बांग्लादेश एवं म्यांमार से। ठीक। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। अगला क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी है? तो रोहित शर्मा जो है किस शहर में? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में जो है क्रिकेट स्टेडियम एवं प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी है। कहाँ? हैदराबाद में। ठीक। याद रखिएगा हैदराबाद में। तो रोहित शर्मा जो है ला लीगा के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले प्रथम क्रिकेटर हैं। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले प्रथम क्रिकेटर हैं। आज का अपना सेशन यहीं पर दोस्तों समाप्त होता है। यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे।